हाँ मैडम, हफ्ता निकालिए। कैसा हफ्ता? कौन है आप? मैं यहाँ का नया MCD ऑफिसर हूँ। यहाँ जो ये ठेला लगा कर बैठे हो ना, इसका परमिट तो होगा नहीं आपके पास। हाँ, हफ्ता निकाली नहीं तो ये ठेला वेला सब बंद करा दूंगा। नहीं साहब, परमिट है मेरे पास। ये देखिए। अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा परमिट दीजिए मुझे। कौन सा परमिट? कैसा परमिट? अरे साहब, अभी तो आपने अपनी जेब में रखा। अब तुम्हारा परमिट मेरे पास रहेगा। हर हफ्ते मुझे 1000 रुपए दोगी, वरना तुम्हारा परमिट और ठेला दोनों बंद करवा दूंगा। समझी तुम? साहब ये तो गलत बात है साहब। भूल मत मैं कौन हूँ। मुझे हर हफ्ते 1000 रुपए चाहिए, समझे? निकालो पैसे। अगले हफ्ते से 1500 रुपए तैयार रखना, समझे? 1500 रुपए साहब, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं होती है। अभी गर्मी का मौसम है, लोग इतनी चाय भी नहीं पीते हैं साहब। देखो मैडम, आप चाहे चाय बेचो या कहीं से भी जुगाड़ करो, मुझे तो 1500 रुपए चाहिए, समझे? 1500 मतलब 1500, नहीं तो मैं 15 मिनट नहीं लगाऊंगा तुम्हारा ये झोपड़ा हटवाने में। अगले हफ्ते से 1500 रुपए लेने आऊंगा, तैयार रखना। चलता हूं। हाँ मैडम, पैसे निकालिए। साहब मैंने आपसे कहा है कि अब मेरे पास पैसे नहीं है। पहले आपने 1000 रुपए मांगे, फिर 1500, अब 2000 मांग रहे हैं। गरीब हूँ साहब, इतनी तो मेरी कमाई भी नहीं होती है। बड़ी जुबान चल रही है तुम्हारी, है? भूल गई कि तुम्हारा परमिट मेरे पास है? एक मिनट में ये उठवा दूंगा, समझी तुम? क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें? और आपने इनका परमिट क्यों ले रखा है? मैं यहाँ का MCD ऑफिसर हूँ, समझे? आप अपनी जुबान बंद रखिए और मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना पुलिस को बुला के अंदर करा दूंगा। अच्छा, दिन दिहाड़े एक औरत का शोषण आप कर रहे हैं और जेल में मुझे डालेंगे? वो ऐसे नहीं मानेगा, मैं बुलाता हूँ पुलिस। सर, सॉरी सर। शर्म नहीं आती तुम्हें एक गरीब औरत को इस तरीके से परेशान करते हुए? पहले तो इनका परमिट और अभी तक जितने पैसे लिए हैं वापस करो इन्हें। हाँ हाँ सर, करता हूँ सर, करता हूँ सर। ये लीजिए। सॉरी सर, गलती हुई सर। इसे गलती कहते हो तुम? करप्शन कहते हैं इसे। और तुम्हें किसने हक दिया इनसे पैसे लूटने का? मैं तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड करता हूँ और नौकरी तो गई तुम्हारी, और अब जेल भी जाओगे। चलो यहाँ से। नहीं सर, सर। I said get out. शुक्रिया साहब। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.